हेलो कैप्टन्स ऑफ आर्म बैंड, आज के शो में आपका स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले थोड़े आज के टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पे टॉमी ज्यूरिच का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस बहुत वरीड है। सो ये क्या होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे एंड व्हाट डज दिस मीन। दूसरा है साहल अब्दुल समाद का इंजरी जो अपडेट है, बेसिकली मोहन बागान और इंडियन फैंस आर वेटिंग फॉर इट, बहुत कैसे बोलो आग्रह के साथ वेट कर रहे हैं। वी विल आल्सो टॉक अबाउट दैट। एंड फाइनली आज का सबसे बड़ा न्यूज, अकॉर्डिंग टू IFTWC, महदी तलाल ईस्ट बंगाल के लिए अपना प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। सो हाउ ईस्ट बंगाल विल यूज हिम एंड हाउ ईस्ट बंगाल गॉट हिम, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात हम लोग जरूर करेंगे। वी विल स्टार्ट विद साहल अब्दुल समाद इंजरी अपडेट, वी विल मूव ऑन टू टॉमी ज्यूरिच उसके बाद, एंड फाइनली वी विल मूव टू महदी तलाल टू ईस्ट बंगाल। So, जो लोग हमारे चैनल को देखते हो और लोग हमारे कंटेंट को पसंद भी करते हो, गाइज आप लोगों को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत लोग आप हमारे चैनल को देखते हो बट अगेन यू गाइज डोंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे एंड ओनली इफ यू लाइक आवर कंटेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इट्स ओनली फॉर यू गाइज ओनली। सो स्टार्टिंग विद साहल अब्दुल समाद इंजरी अपडेट, वो मैं पहले बोल दूं, साहल अब्दुल समाद को प्रैक्टिस में, इंडिया टीम के प्रैक्टिस में उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। हैमस्ट्रिंग इंजरी इज अ वेरी सीरियस इंजरी दैट टेक्स प्लेस, बट जितना हमें पता चल रहा है कि साहल अब्दुल समाद का जो हैमस्ट्रिंग इंजरी इज बेसिकली एन हैमस्ट्रिंग पुल, जिसका मतलब है बहुत लंबे टाइम तक तो वो बाहर नहीं रहेंगे बट ही विल बी आउट फॉर द वीक्स। एंड इन दिस पार्ट ऑफ द सीजन मोहन बागान बोलो या इंडिया बोलो, उनका इंजरी दस प्ले अ वेरी वेरी बिग ब्लो टू देयर बोथ देयर होप्स। और नेक्स्ट जो इंडिया का गेम है दैट इज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान इन द गुवाहाटी मैच, वहां पर साहल अब्दुल समाद नहीं खेलने वाले, he will not play in that match. So ये एक बहुत बड़ा झटका है। As for Mohan Bagan fans, according to the sources, he will most probably be available to play the match between Mohan Bagan and Punjab FC, but वो शायद bench से start करे। But ये totally एक rumor के stage में है, to the Twitter accounts very close to Mohan Bagan, the Facebook groups very close to Mohan Bagan. This is the story which is taking place right now. इसके अलावा हमें और ज्यादा नहीं पता कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, बट साहल अब्दुल समाद का इंजरी इज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम विदाउट अ सिंगल आउंस ऑफ डाउट। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे टू द सेकंड पार्ट ऑफ द शो, बट उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, चैनल का मेंबरशिप इज ओपन। सो अगर आप लोग हमारे पॉडकास्ट, फॉर एग्जाम्पल कल ही हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है विद द ओडिशा FC हेड ऑफ द ऑपरेशंस, सो ऐसे पॉडकास्ट अगर आपको बाकी व्यूअर्स से ज्यादा जल्दी देखना है और बहुत सारे बेनिफिट्स है, यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर, बट ओनली इफ यू वॉन्ट, फोर्स की कोई बात है नहीं। सो राइट नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड न्यूज, दैट इज टॉमी ज्यूरिच कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन अपडेट टू नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। तो लोग बोलेंगे, एक्साइटेड हो गए नॉर्थ ईस्ट के फैंस की भाई हो गया है कॉन्ट्रैक्ट इंजरी अपडेट, जो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट इंजरी क्या होता है भाई, मैं भी गलत बोल रहा हूँ। सो बेसिकली द ट्रूथ इज, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो गया है? द आंसर इज नो, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं हुआ, बट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC आर कीन टू गेट someone like a Tommy Zurich sign the contract extension, क्योंकि बहुत सारे ISL club, for example पिछले साल North East United FC Wilmer Jordan Gill को अपने टीम में जरूर रखने की लिए कोशिश कर रहे थे, but contract talks हो नहीं पाए और इस season वो चले गए directly to a title team, another team who are fighting for the top 6 as well, Punjab FC, जो एक बहुत बड़ा धक्का था for North East United FC. So इस साल ऐसी गलती North East United FC करना नहीं चाहती और Tommy Zurich को वो अभी से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफर करने के बारे में सोच रही है। बिमम मेरे को ऑफर कर चुके हैं, जबाको का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुका है, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पार्थिव गोगोई का भी एक्सटेंशन हो चुका है, नेक्स्ट और भी कुछ प्लेयर्स के जरूर होंगे, बट बिफोर दैट सबसे बड़ा नाम जिनके बारे में वो लोग वरीड है वो है टॉमी ज्यूरिच। और टॉमी ज्यूरिच को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC मैनेजमेंट नेक्स्ट साल और उसके बाद के साल के भी बेसिकली 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में अपने क्लब में रखना चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज क्या टॉमी ज्यूरिच रहेंगे, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, कौन से रीजन है जिसके लिए टॉमी ज्यूरिच नॉर्थ ईस्ट में रह सकते हैं। नंबर वन, नॉर्थ ईस्ट को यह गारंटी करना पड़ेगा कि उनका टीम कॉम्पिटिटिव है नेक्स्ट साल, उनको अपने टीम के ऊपर मनी स्पेंड करना पड़ेगा जिससे ये गारंटी होगी टॉमी ज्यूरिच जो अच्छा फुटबॉल खेल रहा है उसका इफेक्ट टीम के ऊपर पड़ेगा, दैट्स द नंबर वन रीजन, वो टॉमी ज्यूरिच को मोटिवेट करेगा टू प्ले इन द टीम एंड बी इन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और दूसरी जो बात है, उनको एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पे रेज भी देना पड़ेगा जैसे बाकी टीम्स देती है। मोहन बागान हैज गिवन एन एक्सटेंशन टू डिमित्री पेत्रातोस, नॉर्थ ईस्ट ने मैनेजमेंट ने जबाको को एक्सटेंशन दिया है, ईस्ट बंगाल ने नावरे महेश को दिया है, सब सारे केसेस में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसा उनके लिए बढ़ रहा है। अगर वो 10K पर वीक कमाते थे, अब 25K पर वीक या 17-18 मिनिमम K पर वीक अब कमा रहे हैं, सो एक 70% to 100% पे रेज शायद आपको देना पड़े। आप कैसे दोगे, दैट्स टोटली लाई टू यू, बट देखो भाई फुटबॉलर्स आपके सगे भाई तो है नहीं,
फुटबॉलर्स आर प्रोफेशनल्स, सो उनका एक करियर है, उनके पास पैसा एक इंपॉर्टेंट चीज है, लॉयल्टी अपनी जगह पे, बट अगेन सारे प्लेयर्स जो फॉरेन प्लेयर्स है उनके लिए लॉयल्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो इतने पैसे अर्न करे कि अपने बाकी जो करियर है, क्योंकि आप एक आईटी कंपनी ऑफिशियल हो तो 60 साल की उम्र तक काम कर सकते हो, सरकारी एम्प्लॉय हो तो 60 साल की उम्र तक काम कर सकते हो, बट एक फुटबॉलर सिर्फ 30 या 35 साल के ऊपर फुटबॉल नहीं खेल सकता। तो टॉमी ज्यूरिच के लिए पैसा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, बट पैसे से भी ज्यादा अनदर थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड कि टॉमी ज्यूरिच के लिए आपको ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट उनको देना पड़ेगा। यू कांट एक्सपेक्ट हिम टू स्टे एट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी आर अ वेरी गुड टीम भाई, इसलिए आप रह जाओ, ऐसे चीजें होती नहीं है। सो एक चीज है मैं आपको जरूर बोलूंगा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड मैनेजमेंट नीड्स टू गिव हिम द अश्योरेंस कि भाई टीम कॉम्पिटेटिव होगी, एंड सेकेंडली यू हैव टू गिव हिम अ गुड पे रेज सो दैट ही स्टेज एंड प्लेस फॉर योर फ्रीकिंग क्लब, एज इजी एज दैट। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे। और जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, बिकॉज वी नीड योर हेल्प टू रीच द नेक्स्ट लेवल एट आर्मबैंड। सो थोड़े कमेंट्स लेते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो एज वेल। आ जाओ भाई, बहुत दिन बाद टाइम मिला है लाइव देखने के लिए। गौरव भाई आ गया हूँ, आज तो परफेक्ट टाइम पे आया। रोमेन की जगह अटैकिंग मिडफील्डर की जरूरत है, रोमेन का टाइम अब ओवर हो चुका है। एब्सोल्युटली फनसोन भाई, कल नहीं आ पाया, केकेआर का मैच देख रहा था, मैं कल रात को नहीं आया था, मैं एक रिकॉर्डेड कॉन्टेंट था वही चलाया गया था, मैं सुबह को रिकॉर्ड करके चला गया था वही था, कल रात को नहीं था। केकेआर यस, मदितला एनएफसी के साथ निकल चुका है के हाथ से, एब्सोल्युटली मुंबई सिटी एफसी ईस्ट बंगाल ओवर द टू टीम्स वर फाइटिंग। लिस्टन कोलासु टू एफसी गोवा, देखो भाई मोहम्मद भाई ऐसा न्यूज तो हमने भी सुना है बट क्या सच है आई डोंट नो भाई। बैकग्राउंड चेंज क्या नो, बैकग्राउंड चेंज बिकॉज आई एम एट माई मटर्नल अंकल्स होम, जिसको हम बोलते हैं इन बंगाली मामारबाड़ी, सो आई एम इन माई मामारबाड़ी, सो दैट्स व्हाई द बैकग्राउंड हैज चेंज्ड। यूरोपियन फुटबॉल कंटेंट आर कमिंग एट आर्मबैंड फ्रॉम 10th अप्रैल, सो देखना ना भूले भाई। मायाकानन मुत्तु एनएसी के साथ कंप्लीट हो चुका है क्या भाई? ये सारे डील कंप्लीट हो चुके हैं, ये प्री कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है, ये सब अलग, आपको एक बहुत एडवांटेज मिलेगा ये सब करने से। अलग आईपीएल चैनल पर डिस्कस करें क्रिकेट के बारे में भाई, कब बनाएंगे? जब आर्मबैंड बड़ा हो जाएगा वी विल डाइवर्सिफाई, डोंट वरी ब्रो। टॉमी ज्यूरिच आ गया, इसका इंतजार था, बिल्कुल भाई टॉमी ज्यूरिच आ चुका है एंड इट्स अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एज वेल, इसीलिए आज वीडियो भी बनाया। विथ और विदाउट सहाल वुडन बी एबल टू बीट अफगानिस्तान, देयर शुड बी एक्सक्यूज, बिल्कुल नहीं होना चाहिए एंड वी शुड बीट अफगानिस्तान। क्या कल मुझे याद किया तुमने भाई, मैं फिर से बोलता हूँ कल रात को मैंने लाइव वीडियो किया ही नहीं। ऐसे रिलेशन कब आज, होपफुली फ्रॉम नेक्स्ट सीजन। मैंने 5-1 मैच के बाद भी मैंने बोला था डोंट केयर, डोंट फ्रीकिंग केयर, आज भी बोलूंगा आई डोंट फ्रीकिंग केयर। अब डिविजन बी के टीम्स को लेकर कौन ही केयर करे, मैं तो नहीं करता भाई। ब्राजील बी टीम ने, एज अ ब्राजील फैन आई एम हैप्पी टू सी समथिंग लाइक दिस हैपनिंग एज वेल, पर जो भी हो लेट्स मूव ऑन टू अ थर्ड न्यूज, उसके बाद बाकी कमेंट भी ले लेंगे, क्या ही प्रॉब्लम है। मदितलाल टू ईस्ट बंगाल एफसी, भाई ईस्ट बंगाल ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है स्पेशली टू द रेस्ट ऑफ द क्लब्स। तीन नाम तो मैं बोल ही देता हूँ जिन टीम्स को झटका दिया है, मुंबई सिटी एफसी जो लेने के लिए पागल थी मदितलाल को, उनको भी हराया है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जब से सबसे पहले जो टीम थी जिसने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनको भी हराया है मदितलाल के रेस में। एंड फाइनली बेंगलुरु एफसी, जिन्होंने उनके मुंह के निवाले से निखिल पुजारी को छीन लिया था, उनके मुंह के निवाले से उन लोगों ने छीन के ले आया है मदितलाल को। एंड फॉर ईस्ट बंगाल, जिनके पास अटैकिंग क्रिएटिविटी फाइनल थर्ड में कुछ है नहीं, तो उनके लिए मदितलाल वाला साइनिंग बहुत बड़ा साइनिंग होने वाला है, क्योंकि मदितलाल ईस्ट बंगाल के क्रिएटिविटी इश्यूज को बहुत हद तक सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ईस्ट बंगाल का ओनली क्रिएटिव आउटलेट करेंटली इज नावरे महेश सिंह, इसके अलावा कोई क्रिएटिविटी आउटलेट तो है नहीं इनके पास। सो द ट्रूथ इज, अगर उनको क्रिएटिविटी आउटलेट चाहिए, दे नीड अ प्लेयर एट द फाइनल थर्ड जो अटैकिंग फुटबॉल खेल सकता है, सो दैट इज विदाउट अ डाउट समवन लाइक मदितलाल। और मदितलाल ये एक बहुत 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 बड़ा काम करने वाले हैं ईस्ट बंगाल के लिए। वो एज अ विंगर भी खेल सकते हैं, एज अ सपोर्ट स्ट्राइकर, एज अ स्ट्राइकर, सारे पोजिशन में खेल सकते हैं। क्लेटन और मदितलाल अगर एक साथ खेलते हैं, दैट अटैकिंग लाइनअप विल बी अ वेरी लीथल वन एज वेल। और मदितलाल लेने को बाद मदितलाल, हिजाजी माहिर, क्लेटन सिल्वा, साउल क्रेस्पो और जॉर्डन एलसे, ये अगर मैं पूरा फॉरेन लाइनअप देखूं, दैट लुक्स लाइक अ टॉप 6 फॉरेन लाइनअप फॉर ईस्ट बंगाल। हाँ, अब इंडियन प्लेयर्स के ऊपर तो आपको जरूर कंसेंट्रेट करना पड़ेगा एंड दैट विल बी अ मार्केट दैट विल बी वेरी मच कॉम्पिटिटिव। बट भाई जब अच्छा हुआ है अच्छे को अच्छा बोलना पड़ेगा, एंड दिस इज अ डील जो ईस्ट बंगाल को बहुत हद तक फाइनल थर्ड में मदद करेगी।
और आज के शो में ये बार बार मैं बोलना चाहूंगा, यही टाइम है नेक्स्ट सीजन के अपने टीम को बिल्ड करने के लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फॉरेनर्स, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स तो देखो आप इंटरनेशनल विंडो बेसिकली लीग खत्म हो जाने के बाद ही ले सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो बाकी साइनिंग्स है यू कैन यू नीड टू पुट सम एफर्ट्स इन दिस टाइप ऑफ साइनिंग्स एज वेल. सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, देयर इज 3 or 4 गेम वीक्स लेफ्ट. So all the teams right now are very clear about who they are signing and East Bengal ने किसको हराया है. East Bengal ने हराया है बाकी tough तीन tough teams को, but कैसे हराया है, एक जो मेरा theory है कि East Bengal ने शायद ज्यादा पैसा offer किया होगा या एक अच्छे project की सपना दिखाया होगा. Anybody can be the issue, but hopefully East Bengal will sign, क्योंकि ये East Bengal के लिए एक बहुत ही important sign होने वाला है मादी तलाल, क्योंकि मादी तलाल उनको एक goal scoring option नहीं creative option भी देंगे, that can help East Bengal in the long term run as वेल. सो इसके बाद भाई थोड़े कमेंट्स ले लेके आज का वीडियो भी खत्म कर दूंगा. पर हिजाजी एजेंट रूमर की ट्रू, एज ऑफ राइट नाउ मुझे कुछ नहीं पता, बट हिजाजी इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू स्टे. डेविड इन ईस्ट बंगाल साइन, बिल्कुल जीटी हरेगा लोग. यस भाई मैं तो नहीं देख रहा था मैच, कैसे बोलू भाई. कोमल ठाटल एफसी गोवा में साइन होगा और नेक्स्ट सीजन में ईस्ट बंगाल में डिमित्री दिमांताकोस और मादी तलाल को कमाल का होगा. नहीं भाई, दिमांताकोस इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू एफसी गोवा. अगर ईस्ट बंगाल जाता है दैट्स गुड फॉर देम, बट मोस्ट प्रॉब्ली दिमांताकोस इज गोइंग टू एफसी गोवा. अब आएगा ना मजा, नेक्स्ट 3 मैच जीत के प्लेऑफ्स में जाएंगे और सेमीफाइनल एमबीजी को बहुत बुरी तरह से हरा के फाइनल में जाएंगे. ये कौन सी टीम है भाई साहिल तुम्हारा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का तो फाइनल में जाना मुझे टफ लग रहा है थोड़ा भाई. इवन दो आई सपोर्ट नॉर्थ ईस्ट, मुझे टफ लग रहा है थोड़ा. यस भाई, रफा गेटिंग एक्सटेंशन इज इट ट्रू, आई डोंट वॉन्ट माई आइडल ही हैज बिकम ओल्ड. देखो भाई मुझे ऐसा अब तक कोई न्यूज नहीं मिला है, बट नेक्स्ट सीजन एक चेन्नई के लिए एक बहुत बड़ा सीजन होने वाला, 7 से 8 प्लेयर्स चेन्नई खरीद रहे हैं, दैट्स ट्रू. विनीत को राइट नाउ तो नॉर्थ ईस्ट लीड को रेस को लीड कर रही है, बट ईस्ट बंगाल कैन ऑल्सो कम इन द रेस एज वेल. इंडिया से अफगानिस्तान में 26 तारीख को मैच है, वी विल डू इट इन ग्रेट फैशन वंस. हाउ बटोचो इज नॉट फिटिंग इन ओएन सेटअप, इफ यस देन ही व्हाई ही बॉट हिम. कैसे बोलू भाई, ये क्या 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 चलेगा, क्या तलाल चलेगा इन ईस्ट बंगाल. देखो चलना तो चाहिए, बिकॉज पंजाब की टीम और ईस्ट बंगाल की टीम में बहुत ज्यादा क्वालिटी डिफरेंस तो है नहीं. सो उस टीम में अगर चले इस टीम में भी चलना तो चाहिए. रोमन नहीं खेलेगा नेक्स्ट सीजन शायद, मोस्ट प्रोबेबली. तो एनयूएफसी ऑफिशियल अनाउंस्ड क्यों नहीं कर रहा, एनयूएफसी कर देगा भाई. प्री कॉन्ट्रैक्ट के आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, आपको वो कॉन्सेप्ट बाद में ही करना पड़ेगा. फाल्गुनी क्लब छोड़ देगा समर ट्रांसफर विंडो में, खेलना वाज कंफर्म, बिल्कुल छोड़ेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली विल गो टू द अपकमिंग क्लब, दैट इज द मोहम्मदन स्पोर्टिंग और समवन एल्स. नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी विन इज बैक भाई, होपफुली देखते हैं क्या होता है. होपफुली इज सीएफसी कंप्लीटली ओवर, देवर फर्स्ट टू अप्रोच तलाल. भाई सीएफसी ने कितने ज्यादा प्लेयर्स को साइन कर रहा है, आराम यू आर गाइज आर साइनिंग 7 to 8 प्लेयर्स, जहां में 3 या 4 प्रीमियम इंडियन क्वालिटी प्लेयर्स है. यू शुड बी हैप्पी, और जो फॉरेनर्स है आपको फॉरेनर्स अच्छे मिल जाएंगे इफ यू डू द स्काउटिंग प्रॉपरली. मेन थिंग है इंडियन प्लेयर्स, जहां पे चेन्नई आर पुटिंग द मनी एज वेल. हर टाइम प्लेयर्स को मनी नहीं देखना, पंजाब ब्रॉट हिम एंड ऑलरेडी मेड हिज नेम एंड सी दे गेव हिम हिज गिफ्ट. होपफुली मैं मन से चाहता था कि वो पंजाब में ही रहे, बट देखो भाई अगेन ही इज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर एंड ही विल नीड मनी. हेमा मैन को ऑफिशियल अनाउंस कब करेगा, करेगा भाई डोंट वरी इट विल बी देयर. टॉमी ज्यूरिच नेक्स्ट सीजन रिटर्न नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, होपफुली. हुगो विल स्टे एट एमबीएफसी और गो टू ओडिशा. मुझे नहीं लगता कि मोहन बगान में हुगो का ज्यादा फ्यूचर है, बट देखो भाई कौन आता है. ऑल्सो हियरिंग दैट पंजाब इज गोइंग टू ब्रिंग वन यूरोपियन प्लेयर्स, होपफुली भाई. लेकिन ईस्ट बंगाल दियामंता को रेस के आगे है, दे आर अहेड, बट एफसी गोवा आर देयर. इट्स अ 50-50 रेस ऑफ राइट नाउ, जितना मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया है. Now bro, Diamantakos to EB had a huge money offer, but according to that, FC Goa are giving them a more longer contract. जो निखिल पुजारी के केस में हुआ था, East Bengal ज़्यादा पैसा offer कर रही थी, but ज़्यादा साल offer कर रहे थे someone like. But देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि Clayton Silva already है और मदी तलाल खरीदने के बाद क्या Diamantakos को खरीदेंगे? Will East Bengal take the Mohan Bagan Super Giants way of getting 3 strikers? देखते हैं. Currently ये सब बोलना कोई फायदा नहीं है. Let's see. ON 2.0 will work. You have to spend some money, भाई. Diamantakos going East Bengal, is it correct? As of right now, they are one of the teams who are leading the race along with FC Goa. Ronaldo आ गया है North East United FC में भाई. हाँ भाई बिल्कुल. Ronaldo क्या, Messi भी आ गया है. हेलो वो Tommy का extension तो भाई अब तक नहीं हुआ, but देखो बात तो चल रही है under extension की. Update कहाँ से लाते हो भाई, सारे sources यहाँ पे बताओ तो मेरे YouTube channel करने का फायदा क्या है. But जो भी हो guys,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड अंटिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम आमबैन। फिर मिलेंगे कब? फिर मिलेंगे कल रात को, और कल होली है, जम के होली खेलना, दोस्तों को होली से सिल्वर सर्फर बना देना पानी मार मार के। सो गाइज, अंटिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम आमबैन, टाटा, फिर मिलेंगे कल।